नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SBI 9 News। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं मोदी विरोधी अलायंस को लेकर। जी हां, देखिए, मोदी विरोधी अलायंस में अड़ंगा डाल रही है मायावती, यानी कि मोदी के विरोध में जो अलायंस टीम बन रही है उसमें अड़ंगा डाल रही है मायावती। दरअसल मायावती शुरू से कांग्रेस को इशारा देती रही है कि कोई भी महागठबंधन यूपी केंद्रित नहीं बन सकता, क्योंकि यूपी के दंगल को मायावती खुद का रण मानती रही हैं। 2019 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ अगर कोई महागठबंधन बनता है तो मायावती और उनकी बहुजन समाजवादी पार्टी उसका घटक नहीं होगी। यानी कि 2019 से पहले अगर विपक्षी पार्टी जो है महागठबंधन बनाती है तो उस गठबंधन में BSP यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो शामिल नहीं होगी। तो उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया है, मायावती ने क्लियरिफाई कर दिया है कि वो जो है गठबंधन नहीं करेंगी। तो जिस तरह से क्लियरिफाई किया और साफ साफ मायावती ने ये भी कहा है कि वो अपना एक अलग स्टैंड लेकर चलेंगी, यह बात तब स्पष्ट हो गई जब कांग्रेस ने मायावती के कभी दाहिने हाथ रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने पाले में कर लिया। ये वजह है कि मायावती के जो वफादार थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो काफी समय से बसपा के साथ थे, उसको जब से कांग्रेस ने अपने पाले में ले लिया तब से मायावती जो है बौखला गई है और उनकी जो बौखलाहट है वो यहाँ पर देखने को भी मिल रही है, तिलमिलाहट देखने को मिल रही है। साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि जब से नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनके पाले में आए हैं कांग्रेस के, तब से उन्होंने उस दौरान ये फैसला ले लिया था कि बसपा जो है वो कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगी महागठबंधन में। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने यह साफ कर दिया कि जब यूपी चुनाव में कोई गठजोड़ नहीं हो पाया तो संभावना काफी कम नजर आती है। यूपी के दौरान कांग्रेस ने लाख कोशिश की थी मायावती को लेकर एक ग्रैंड अलायंस बनाने की, लेकिन BSP सुप्रीमो किसी भी गठबंधन में ना शामिल होने के अपने फैसले पर टिकी रही। नतीजतन उस चुनाव में महागठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया था। यूपी चुनाव के दौरान जो है कांग्रेस ने गठबंधन बनाने की बहुत बड़ी जो है कवायद की थी और मायावती से बात भी की थी, लेकिन मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया था और मायावती ने अपनी बात क्लियर करती थी कि वो गठबंधन नहीं करेंगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अपने फैसले पर वो अडिग रहेंगी। देखिए, कांग्रेस के कार्यक्रम में महागठबंधन की टीम साफ देखी जा सकती थी जब गुलाम नबी आजाद से BSP से अलायंस का सवाल पूछा गया। क्या कहा आजाद ने, देखिए अगर बात करूं तो देखिए, बकौल गुलाम नबी आजाद यूपी असेंबली चुनाव से पहले कहा उन्होंने, हमने मायावती जी से मुलाकात की थी, तब मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिलने गया था। हम चाहते हैं कि SP BSP और कांग्रेस को मिलाकर एक अलायंस बने ताकि बीजेपी को हराया जा सके, लेकिन वो यानी कि मायावती तैयार नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने व्यक्तिगत रूप से मायावती से मुलाकात भी की थी और कहा भी था कि हम मोदी को जो है हराएंगे, उनके खिलाफ रणनीति बना रहे, एक टीम बना रहे, लेकिन मायावती ने अपना स्टैंड रख दिया, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया कि वो इस टीम में शामिल नहीं होंगी, यानी कि वो गठबंधन नहीं करेंगी। देश में NDA सरकार के खिलाफ किसी भी गठबंधन के लिए BSP एक अहम घटक साबित हो सकती है। पूर्व में कई बार पिछले दरवाजों से बातचीत होने के बावजूद मायावती ने किसी भी गठजोड़ से जो है मना कर दिया था। अभी हाल ही में संसद में जस्टिस लोया मामले को लेकर भी विपक्षी पार्टियों ने खूब हंगामा मचाया, विपक्ष के नेता राष्ट्रपति तक गए, राज्यसभा में भी खूब शोर शराबा हुआ, लेकिन तब BSP विपक्ष के साथ खड़ी नहीं दिखी। BSP के नेता यह आरोप लगाते दिखे कि उनकी पार्टी को संसद में मुकम्मल मुद्दा उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जस्टिस लोया वाला मामला चल रहा था, काफी सुर्खियों में मामला था और विपक्ष ने इस मामले पर निशान उठाया, सवाल उठाया कि इस पे जांच की जाए, लेकिन इस मामले पर क्या कह सकते हैं कि मायावती या BSP की अगर बात करूं तो BSP ने इस मामले पर कोई स्टैंड नहीं लिया और यह आरोप लगाते हुए दिखे कि उनकी पार्टी संसद में मुकम्मल मुद्दा उठाने का मौका उनकी पार्टी को नहीं दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक चुनाव में सभी पार्टियां जहां बड़े बड़े ढोल पीट रही हैं, तो मायावती ने पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा से गठजोड़ का फैसला
किया है। देखिए देवेगौड़ा के साथ क्या इनका कॉम्बिनेशन रहा है, तो मायावती ने पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा से गठजोड़ का फैसला किया। यहाँ कांग्रेस का सामना अपनी दूर प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी से है। मायावती का जेडीएस से गठजोड़ पूरी तरह से सोची समझी रणनीति है। बीएसपी किसी भी सूरत में दलित वोट बैंक कांग्रेस के पाले में नहीं सरकने देना चाहती, जिसका आनंद आज तक कांग्रेस कर्नाटक में उठाती आई है। यह पहला मौका है जब मायावती ने किसी चुनाव पूर्व गठबंधन का फैसला लिया है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए उनकी पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने कांग्रेस नेता नरसिम्हा राव के साथ अलायंस किया था। दरअसल मायावती शुरू से कांग्रेस को इशारा देती रही हैं कि कोई भी महागठबंधन यूपी केंद्रित नहीं बन सकता, क्योंकि यूपी के दंगल को मायावती खुद रण मानती रही हैं। इसी का परिणाम है जो किसी भी अलायंस की बात हो वह बीएसपी माइंस हो साबित हो पाता है। इससे तय है कि मायावती अपने उस सिद्धांत पर कायम है जिसमें वो खुद अपना रास्ता अख्तियार करने की बात करती हैं। तो देखिए जिस तरह से मायावती एक अलग रणनीति बना रही है, एक अलग तरह की सोच बना रही है, जिस तरह की वो तरकीब बना रही है। और हालांकि देखिए विपक्ष ने एक पार्टी कह सकते हैं गठबंधन बनाने का फैसला किया ताकि मोदी के विरुद्ध एक बड़ा खेल खेला जाए, लेकिन मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। क्योंकि ये बात तब से उठी जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनके पाले में चले गए कांग्रेस के, तब से मायावती और ज्यादा खफा हैं। क्योंकि नसीमुद्दीन जो है बहुत वफादार कहे जाते हैं मायावती के, और काफी समय से जो है वो बीएसपी के साथ थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया, जिस तरह से उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में जिस तरह से शामिल हुए, तो ये बात मायावती को कहीं ना कहीं घर कर गई है। और जैसे ही नसीमुद्दीन ने ये फैसला लिया और मायावती ने अपनी अपना फैसला सुना दिया कि वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव को बेहतर ढंग से कैसे लड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मंदिर मस्जिद दरगाह पर भी जा रहे हैं ताकि वोट किस तरह से जो है लिए जाए, इसको लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं रणनीति बना रहे हैं। अगर बात करूँ हाल ही में पिछले साल जिस तरह से गुजरात में चुनाव हुए थे, उस दौरान राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी या कह सकते हैं एक अच्छी पारी खेली थी। उस दौरान हुआ यूं कि भले ही राहुल गांधी चुनाव हार गए, लेकिन जनता का कहना यह था कि हार के भी राहुल गांधी चुनाव जीते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के गढ़ में ही बीजेपी को बहुत बड़ी टक्कर दी थी। और ये टक्कर कहीं ना कहीं अगर 2019 से जोड़ा जाए तो 2019 का समीकरण भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि अब राहुल गांधी की जो सक्रियता जिस तरह से बढ़ गई है, उनकी बातें जिस तरह से गंभीरता से आ गई है, उनकी बातों में जिस तरह से गंभीरता देखी जाती है, साथ ही साथ उनकी जो बोलने का लहजा है और जिस तरह से वो पार्टी को जो है आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया जैसी तरकीब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब चीजें इशारा इशारा करती हैं कि राहुल गांधी एक मझे हुए खिलाड़ी के तौर पर जो है यहाँ पर पारी खेल रहे हैं। कब कौन सा पासा फेंकना है और कब कौन सी चाल चलनी है राहुल गांधी अच्छी तरह से जान चुके हैं, और किस तरह से चुनाव जीतना है इस बात को भी बखूबी तरह से राहुल गांधी जान रहे हैं। लेकिन 2019 के अगर हम बात कर लेते, 2019 का चुनाव वाकई में एक दंगल जैसा होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अब की बार कांटे भरी टक्कर होने वाली है, और हो सकता है इस बार पासा पलट भी जाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के राज में 4 साल के दौरान जनता का कहना है कि कुछ भी काम नहीं नहीं हुआ है, और जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा उठा है, जिस तरह से कह सकते हैं शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा उठा है, तो ये सब चीजें इशारा करती हैं कि अब की बार जो है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और विपक्ष जो है अब की बार फायदा उठा सकता है। बहरहाल ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव में पता चलेगा, यानी कि 2019 में पता चलेगा कि अब की बार जनता किस पार्टी को चुनती है और किसकी सरकार जो है बनती है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।
Subscribe and press the bell icon for latest updates.